ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का ग्रोइंग इंस्टाग्राम फोटो एडिटिंग। तो गाइस, आप सभी को जो है गाइस इसमें मतलब कि मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिनका सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो जो है हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस गाइस, आप लोग ध्यान से देखना वीडियो को, एकदम कंप्लीट देखना। एंड गाइस, इस वीडियो में आपको रिटचिंग देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस इसमें जो ग्लोइंग है, जो ऑरेंज कलर का ग्लोइंग टोन दे रहा है, वो गाइस हम लाइटरूम में अपने ही ढंग से कर पाएंगे। तो आप वो वाला पार्ट जरूर देखना। बाकी गाइस, जो भी होगा वीडियो का प्रोसेस सब कुछ आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं। तो गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइज, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी को। देन गाइज, जाना आपको ऐड फोटो पेंट गाइज आप सभी को लेना है इंस्टाग्राम का PNG। देन गाइज, आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना गाइज यहाँ पे। एंड स्क्रीन करने के बाद आपको फुल स्क्रीन करना है। एंड गाइज, फुल स्क्रीन करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरीके से ले आना बीच में, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद गाइज, आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको कर देना डन। अब गाइज, यहाँ पे आप सभी को एक क्रैक PNG को ऐड करना है, तो गाइज यहाँ से ऐड फोटो जाके हम इसको ऐड कर लेते हैं। एंड गाइज, उसके बाद आपको इसको ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइज, आपको कुछ स्टेप से रोटेट करना है इसको। एंड रोटेट करने के बाद गाइज, आपको उसको साइज इसको इंक्रीज कर देना है। एंड कुछ कुछ स्टेप से आप सभी को यहाँ पे ऊपर की तरफ रख देना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे अब जब इसको आप अच्छे तरीके से रख दोगे तो गाइज आप इसको थोड़ा ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके, या ओवरले भी देख लेना। ओवरले ठीक नहीं है गाइज, यहाँ पे आपको रखना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई रख लेते हैं हम, सॉरी स्क्रीन हो गए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब गाइज, यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो आगे की तरफ एरिया आ रहा है ना गाइज, जो हमारी जो विंडो की तरफ जा रहा है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि गाइज अगर ये दिखेगा तो यार अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। अब गाइज, इतना परफेक्ट है। अब गाइज, यहाँ पे आपसे भी फिर करना है, यहाँ पे आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे डन कर देना है। अब गाइज, इसमें हमें डालना है ग्लोइंग इफेक्ट। तो वो कैसे डालेंगे, हम यहाँ से जाएंगे गाइज ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइज, यहाँ पे हम कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज, यहाँ पे आप कोई सा भी कलर रख सकते हो गाइज, ठीक है। मतलब नहीं है कि गाइज आप सेम कलर रखो, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे रखना है। एंड गाइज, बस आपको क्या करना है, ब्रश को सिलेक्ट करते वक्त आपको उसकी जो हार्डनेस है उसको यार एकदम जीरो कर देना है, ताकि यार जो मतलब इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, एंड जो आप इसको जब पेंट करोगे तो अच्छा हो लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कर लेना है। एंड जो कोई साइज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा रख लिया मैंने, तो आपको उसका साइज जो है कुछ यहाँ पे 100 के पार रखना है, ठीक है। 100 के यानी 104 या कुछ इतना रखना है आपको साइज। फिर उसके बाद आपको सिंपली ऐसे तरीके से ऐसे आपको राउंड करते हुए पूरे मतलब कि जो हमारे इंस्टाग्राम का जितना ही बड़ा लोगो है वो पूरे पे कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है, जैसे गाइज आपको दिख रहा होगा। सिंपली ऐसे ही आपको कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, अब गाइज यहाँ पे आपको जाना लेयर में। लेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पे गाइज आपको ब्लेंडिंग मोड जो है इसका रखना है ऐड, ठीक है, ऐड रखना है। तो गाइज देखिए, यहाँ पे थोड़ा फेक लग रहा है, आप क्या करेंगे, इसका हम थोड़ा सा जो ओपोसिटी यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। तो ओपोसिटी कम करने के बाद देखिए काफ़ी अच्छा लग रही है हमारी, ये जो हमारी बैकग्राउंड है जो अच्छे तरीके से बन चुका है। अब गाइज यहाँ पे हम इसको करते हैं डन, ठीक है, डन करते हैं। अब यहाँ पे गाइज हमारी बारी आती है मॉडल को ऐड करने की, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, यहाँ से जो आपका मॉडल है वो गाइज आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली फुल स्क्रीन रखना है इसका। एंड गाइज, बैकग्राउंड तो मैंने पहले से इरेज कर रखा है, जिसको नहीं आता होगा गाइज वो जाके आप देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सिंपली इरेज करना सीख लेना। फिर गाइज, यहाँ पे मॉडल को ऐड करने के बाद गाइज, यहाँ पे हमें थोड़ा मॉडल में चेंजेस करना है। तो गाइज, मॉडल को यहाँ पे सिंपली ऐड नहीं करना है हमें, और भी कुछ करना है। तो इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है गाइज, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करो तो आपको डुप्लीकेट करना अपने मॉडल का, एंड आपको सेम साइज में रखना है। देन गाइज, आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको हमें मिलेगा इफेक्ट वाला ऑप्शन। आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन, आपको इसका अमाउंट जीरो करके एंड ऊपर से मर्ज कर देना है। देन गाइज, आपको यहाँ पे लेना है नेगेटिव वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इसको मिलेगा मर्ज कर देना है। फिर लेना आपको कलराइज वाला, आपको सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर टैप करना है। इसका जो ह्यू है गाइज, आपको यहाँ पे ढूंढना है गाइज, आपको थोड़ा सा येलो टोन, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर डन कर देना है। फिर गाइज, यहाँ पे इरेजर टूल में जाना, आपको यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश को लेना है, ब्रश को लेने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइज साइज को जितना रख लेना है, एंड जो ओपेसिटी हार्डनेस इसको कम कर लेना है। फिर इसके बाद इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना है। एंड गाइज, कुछ स्टेप्स आपको ऐसे पेंट करना है अपनी पूरी बॉडी के ऊपर, मतलब कि इससे गाइज आपको देना है ग्लोइंग इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे कैसे इफेक्ट डालना है। एंड गाइज, इस तरीके से इफेक्ट डालने के बाद आपका गाइज क्या होगा कि यहाँ पे एक दो एक मतलब कि एक रिमलाइट क्रिएट हो जाएगी। तो अभी इसको आपको क्या करना है गाइज, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें ग्लोइंग तो कुछ आया नहीं, तो अभी आ जाएगा, अभी मैं बता देता हूँ। आपको जाना है सिंपली ब्लेंड में, एंड ब्लेंड में जाने के बाद इसको कर देना है ऐड, ठीक है। तो आपको सिंपली ऐड वाले ऑप्शन पे जाके आपको ऐड कर देना है, सेम वैसा ही मतलब कि आपका इफेक्ट आ जाएगा आपके मॉडल के ऊपर भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ठीक है, आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हम कर देंगे डन, ठीक है। तो डन कर दिया हमने। अब गाइस, यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से लेना है पहले एक विगनेट का PNG। एंड विगनेट का PNG लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है। एंड कुछ स्टेप्स ऐड करने के बाद आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी यहाँ पे डन कर देना है।
एंड गाइज आप क्या करना है आप सभी को, अब गाइज यहाँ से आपको एड फोटो में जाके आपको ये लेना है कि स्मोक का पीएनजी, क्योंकि गाइज स्मोक का पीएनजी आपने देखा होगा थंबनेल में, आप मतलब जो हमारा जो रियल फोटो है उसमें स्मोक भी है। तो आपको बस ऐसे करके आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके ऐड कर देना है एंड गाइज इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाना है एंड गाइज यहाँ पे इतना परफेक्ट है। ठीक है, तो अब इतना परफेक्ट है, हमारा स्मोक भी लग चुका है, ग्लोइंग इफेक्ट भी आ चुका है, मॉडल भी लग चुका है एंड पिक्सार्ट में सब कुछ हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस फोटो को सेव करके हम इसको ओपन करते हैं हम लाइटरूम ऐप में। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया है। अब गाइज यहाँ पे आपको गाइज इसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है एंड गाइज उसके बाद आपको थोड़ा सा जो हाईलाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज करना है यहाँ पे एंड गाइज जो शेडो है गाइज इसको थोड़ा कम करना है एंड गाइज उसके बाद जो थोड़ा व्हाइट है इसको थोड़ा कम करना है, जो ब्लैक है इसको थोड़ा कम कर देना है एंड जाना है आपको कलर्स वाले ऑप्शन में। कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको थोड़ा सा जो फोटो है इसकी वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड इसका थोड़ा सा टेम्परेचर माइनस कर देना है। फिर गाइज आपको जाना है कलर मिक्स में। ठीक है, आपको जो कलर मिक्स दिख रहा है फिर आपको लेना ऑरेंज कलर, इसका थोड़ा सैचुरेशन माइनस करना है एंड जो ल्यूमिनस है थोड़ा बढ़ा देना है। फिर गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है एंड गाइज उसके बाद जाना है आपको यहाँ से येलो कलर में। येलो कलर में गाइज यहाँ से आप देखिएगा कोई सा भी टोन रख सकते हो अपने, ऑरेंज या येलो या ग्रीन, आप दोनों में से कोई, तीनों में से कोई भी टोन रख सकते हो तो आप रख लेना अपने हिसाब से। देन गाइज आपको डन कर देना है, जाना है आपको गाइज नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपकी जो फोटो की क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, जो गाइज फोटो में पिगमेंट होगा वो डाल देना अपने अकॉर्डिंग। देन गाइज आपको नीचे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, जाना नीचे वाले टूल में। फोटो की जो शार्पनेस है गाइज आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइज मिलेगा आपको नोइज रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे मिलेगा कलर नोइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हो हमारी जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइज आशा करता हूं आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी गाइज मैं मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।